विस्तार पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रेत माफियाओं में मचा हड़कंप, 32 अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर जब्त। थाना प्रभारी को कलेक्टर के नाम सौंपा गया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। छतरपुर शहर में रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई, 32 अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर जब्त किए। पुलिस प्रशासन ने छापामार कार्रवाई में शहर के बीचों बीच गायत्री मंदिर के समीप चल रही अवैध रेत मंडी से 32 अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर पकड़े, जिसमें रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। पिछले दिनों SDM के सैनिक पर रेत माफियाओं ने किया हमला, जिसके बाद पुलिस प्रशासन आया हरकत में। मौके पर SDM कमलेश पुरी, CSP राजा राम साहू, खनिज अधिकारी दिवेश मरकाम सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। छतरपुर जिले के ईसानगर क्षेत्र में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है पर डॉक्टर नहीं आते। नायब तहसील कार्यालय है लेकिन तहसीलदार नहीं आते हैं। ईसानगर रेलवे स्टेशन होने के बावजूद भी रेल नहीं रुकती है। PWD विभाग द्वारा डाली जा रही सड़क में नहीं बनाई जा रही है नाली, जिससे आक्रोशित होकर यहां के लोगों ने पड़ाव चौक पर एकत्र होकर थाना प्रभारी मनीष मिश्रा को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने पहले भी कलेक्टर व क्षेत्रीय विभाग को इस संबंध में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आज आप लोगों ने यहाँ किस संबंध में ज्ञापन दिया? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि आज से 2 साल पहले हम लोगों ने अनशन किया था यहाँ पे तहसील के लिए, तो कलेक्टर साहब ने आदेश किया था कि 3 दिन ईसानगर में तहसील लगेगी, उप तहसील चालू कर देंगे। उसके बाद ना तो यहाँ पे कोई अधिकारी आता है, और अभी ये रोड डरने लगा है, तो रोड के लिए डिवाइडर की मांग थी हम लोगों की। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहते हैं, और यहाँ से जो ट्रेन निकली है हमने एक्सप्रेस भोपाल के लिए, तो यहाँ के लोगों की भी ज़मीनें गई हैं, ना तो उनको सही मुआवजा मिला है, ना ही नौकरी मिली है। तो कम से कम यहाँ 1 मिनट के लिए स्टॉप तो होना चाहिए, उसका स्टॉप भी नहीं है। हॉस्पिटल के बारे में आपका क्या कहना है? हॉस्पिटल के बारे में ये है कि हॉस्पिटल ईसानगर में ओनली नाम के लिए है। यहाँ पे बिल्डिंग तो बनी हुई है लेकिन डॉक्टर कभी उपस्थित नहीं रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई घटना यहाँ पे घटती रहती है। तहसील के लिए आपका क्या कहना है? तहसील के लिए पूरे यहाँ के हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं, क्योंकि अधिकारी यहाँ पे आते नहीं हैं। और अभी जो सोसाइटी में घोटाला हुआ था तो उसका भी अधिकारियों ने ले दे के निपटा लिया है, जो भी किया हो वो भी उसका कोई मालूम मतलब निकला। काफी किसानों पर कर्जा निकल रहा है, जिनका पैसा जमा हो चुका है उनके ऊपर भी कर्जा निकला है, तो हम चाहते हैं कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आपने डिवाइडर के लिए क्या किया था? अब कुछ नहीं करना है, हम लोगों को खाली अनशन पे बैठना है, और आमरण अनशन होगा इस बार। इस बार कोई भी अगर घटना घटती है, कोई भी मरता है, कोई भी घटना घटती है, तो इसका जिम्मेवार पुलिस शासन प्रशासन होगा। आपने माननीय कलेक्टर साहब को बताया क्या, ज्ञापन दिया? उनको बता चुके, 2-3 बार उनके पास ज्ञापन जा चुका है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग ये हमारी बात माननीय कमलनाथ जी तक पहुंचा दें कि यहाँ कोई भी अगर घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। माननीय विधायक जी से बोला क्या आपने? जी हाँ, विधायक जी से हमने बोला है, विधायक जी ने हमको आश्वासन दिया है कि हम आगे आपकी बात पहुंचा रहे हैं। सर, आज अभी लोगों ने आपको किस संबंध में ज्ञापन दिया? अभी कुछ समय पहले ईसानगर के जो सामान्य व्यक्ति है उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, इसमें ईसानगर के विकास से संबंधित जैसे सड़कों के बाजू में नाली होना चाहिए, डिवाइडर होना चाहिए, रेलवे स्टेशन का ट्रेनों का स्टाफ होना चाहिए, और अस्पताल में कुछ भाग संबंधित उन्होंने ज्ञापन दिया है, और यह ज्ञापन हम इस ज्ञापन को संबंधित विभाग के लिए हम भेज देंगे आज।